करम एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटी को दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। दर्शन को बोलो कि जो महामंत्री उस लड़की को बनाए हुए
लेकर के आए दरबार में। इसका नाम क्या है महाराज? इसका नाम चमेली है। और बनने वाला एक छोटा सा घाट उदयपुर लगता है, ये वहाँ की रहने वाली है महाराज। ये पढ़ी लिखी है, समाज में इज्जत है, अच्छे खानदान की है, लेकिन अफसोस एक बात का है कौन सा? इसके माँ बाप अब इस संसार में नहीं रह जाने का मतलब ये लड़की अनाथ है। जी हाँ, लेकिन महाराज हम वादा करते हैं ये बात आपकी और चमेली की शादी हो जाए तो चमेली आपकी इतनी सेवा करेगी, इतनी सेवा करेगी शायद महारानी ने नहीं किया होगा। आपकी बातों को मुझे पूरा है। हाँ महाराज, शेरपा जो मैंने आपसे बातें किया है, बाजे वाले पूरे घर वाले पूरी तैयारी है। महाराज से पूछना शादी कब करवाई? महामंत्री जी महाराज, से सुमोह होने बुलाया ले जाओ राय महल में। हम जाते हैं पुरोहित जी के पास और सरकार की बुलाकर जब महाराज लोग चमेली की शादी होगी ले जाएंगे। अच्छी बात है, के पास जाइए और बारिश चाहिए। अच्छी बात है, लड़की अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ चलिए ठीक है, मैं सोचता था अच्छी बात है मन। पार्वती 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 अरे बटवा अरे पांच सही बटवा पांच सही खाया बटवा। हेलो हेलो काका रुपया ये आ गए हमारे सतीश सतीश ठाकुर इन्हीं पुरानी प्रधान इनकी तरफ से दस दस एक बार गए हैं दस फिर गए हैं दस 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 ये दस दस रुपया इनाम का भरवा है। हम प्रधान जी को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद। बस बढ़िया के नाम से बात है। मेरा काम जंगल बजाकर पक्षियों को पकड़ना, पक्षियों को पकड़कर गली कूचे में देता हूँ, खुशी से अपनी जल्दी जल्दी चलाता हूँ। अगली बार अरे पहली बोल तो जाते हो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन एक बेटा नहीं दिया। भगवान ने मुझे बेटा के बजे एक बेटी दिया। ठीक है, सॉरी है।
जब मेरी बेटी सारी 6 महीने की थी तब इस कृपा से छोड़कर भगवान को त्यागी हो इसका पालन पोषण किया। आज मेरी बेटी सारी 18 साल की हो चुकी है। सारी बेटी खाना बनाकर रखते गई है क्या पिताजी पर सहेली घर जा रहे हैं, लेकिन बेटा जब तक मेरी बेटी सारी घर पर ही आएगी मैं भोजन नहीं करूंगा, आने का इंतजार करूंगा। आज मेरे बापू न जाने क्या बात है इतने उदास क्यों बैठे हैं। आज मेरे बापू का उदासी का कारण पूछूंगी कि आखिर बापू बात क्या है। Thank you.
बैठ जल्दी
भैया महामंत्री जी रखता जाए जवान महाराज जमीन को यहाँ के कारण कार्य समझा दिया जाए वह दर्शन महाराज स्वागत वो हमारी महारानी स्वर्गीय महारानी जब तक हमारी महाराज जमीन आशीर्वाद है महाराज चलिए हमने समझा देते हैं और जितने इस खैरागढ़ के कानून कायदे हैं महारानी जी को समझा देना महाराज का हुक्म है कि कल से महारानी जी अपने हाथ से गरीबों में दान बांटेगी ले जाइए आपस में दोनों जन समझ में आए युद्ध करो जो जीतेगा मैं उसी की हो जाऊंगा ऊपर नीचे का Thank you.
यादव भाई सुरेंद्र के भैया, सुरेंद्र भैया सरवाई, सुरेंद्र भैया सरवाई दस रुपया घर वाले के लिए लौटा दे। तो पूरा तैयार क्यों मुख चुप रहा यार। महारानी जी दरबार की दर्शन यहाँ के कानून कायदे को आपको समझाने दर्शन दरबार के सारे नियम कानून मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया गया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। वो कौन सी बात महाराज? हमारी स्वर्गीय महारानी हमेशा सुबह उठकर स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद गरीबों को एक घंटे रोज दान बांटा करती थी। आज से ये कर तुम्हें करना होगा। आपकी आपसे हर रोज सुबह उठकर के स्नान करने के बाद सबसे पहले मैं अपने इन्हीं हाथों से गरीबों को दान बांटूंगी महाराज। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चले आज बड़ी खुशी की बात है। सौ महल वन भजन को में लाइटों में जगमगा रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। Oh,